बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हो गया है। 24 घंटे में 10,774 नए मामले सामने आ गए हैं। वायरस ने 48 लोगों की अब तक जान ले ली है। दिल्ली में एक दिन में इतनी बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज मिले हैं, 10,774। ये जो आंकड़ा है ये डरा रहा है कि एक साथ इतने सारे लोग 24 घंटे के भीतर पॉजिटिव पाए गए हैं। 48 लोगों ने दम तोड़ दिया है। ये न सिर्फ डराने वाला आंकड़ा है बल्कि हैरान भी करता है। और ये बताने के लिए भी हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं इससे आप सीख ये ले सकते हैं कि सावधानी बरतें, कोरोना से बचने के लिए जो नियम कायदे बताए गए हैं उसका पालन करें। दिल्ली ने कोरोना की ऐसी रफ्तार नहीं देखी। इतना ज्यादा संक्रमण की हिल चुकी है दिल्ली सरकार। दिल्ली में कोरोना के सारे वेब से खतरनाक मौजूदा वेब। 24 घंटे में दिल्ली में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 10,732 के सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार इतनी खौफनाक है कि राज्य सरकार के पसीने छूट रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है। क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगने वाला है? इस सवाल पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जवाब चिंता बढ़ा रहा है। दिल्ली में ये चौथी वेव है। इसके पहले 3 वेव्स दिल्ली के अंदर आ चुकी है और हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके उसका बड़े अच्छे से मुकाबला किया और वो ठीक हो गया। अब ये चौथी वेव आई है जो बेहद खतरनाक है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोगों की समझ के बाहर है। दिल्ली में 10,732 केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। 10,732 केस। दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर मुश्किलें खड़ी कर रही है। जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी चिंता बढ़ा रहे हैं। दिल्ली में 65% मरीज 45 साल से कम उम्र के हैं, यानी कोरोना का नया म्यूटेंट युवाओं को निशाना बना रहा है। जानकार वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हर आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन की जरूरत बढ़ती जा रही है। टीम न्यूज नेशन। यूपी में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में शमशान घाट पर शवों की कतार लग गई, तो प्रयागराज में अस्पतालों में इंतजाम दम तोड़ते रहे। इस मां की दुनिया उजड़ गई, आंखों का तारा काल के गाल में समा गया। कोरोना का ऐसा दंश लगा जिसको बयां नहीं किया जा सकता। तस्वीरें प्रयागराज के अस्पतालों की बद इंतजामी को बयां कर रही है। प्रयागराज में कोविड अस्पताल में बेड की भारी कमी है। हालत यह है कि कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से एक मासूम ने दम तोड़ दिया। कल शाम के 5 बजे कितने बजे बोला बच्चा आपका खत्म हो गया है? अभी बात खत्म होने की भी बात बोला होगा क्योंकि मुझे देख रहा था, देखने नहीं दिया 4 घंटे से। संगम नगरी प्रयागराज में बीते 6 दिनों में यहां रोजाना 1,000 से अधिक कोरोना केस आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में यहां रिकॉर्ड 1682 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 7 लोगों की मौत हुई है। स्थिति कितनी भयावह है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहां संक्रमित होने वालों की दर 15% तक पहुंच गई है, तो वहीं अस्पतालों में बेड की भारी किल्लत है। हम इस वक्त तेज बहादुर सप्रू जिला चिकित्सालय में मौजूद हैं और यहां पर भी 160 बेड का बताया जाता है कोविड हॉस्पिटल तैयार किया गया है। तमाम पेशेंट एडमिट्स हैं, लेकिन तमाम ऐसे पेशेंट अभी भी हैं जिनको यहां पर भटकना पड़ रहा है, जगह नहीं मिल रही है। हमारे साथ एक सज्जन हैं, इनके साथ एक पेशेंट हैं, वो कार में आप देख सकते हैं, वो कोविड पेशेंट हैं और काफ़ी समय से ये लोग वेट कर रहे हैं, तमाम अस्पतालों के चक्कर लगा चुके हैं। कोरोना के कहर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भी नहीं बच सके। खबरों के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सहित 12 जजों को कोरोना हो गया है, तो वहीं प्रयागराज में कोरोना से अब तक 24 वकीलों की मौत हो गई है। 2 घंटे में 24 शव, लाशों का अंबार है लेकिन कईयों को अंतिम संस्कार का इंतजार है। लखनऊ के भैंसा कुंड शमशान में चिताओं की राख ठंडी नहीं हो पा रही है कि बाहर शवों को लेकर एम्बुलेंस की कतार नजर आ रही है। लखनऊ में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, यानी कि सिर्फ 2 घंटे में 24 डेड बॉडी शमशान पहुंची।
सभी की मौत कोरोना से हुई। लखनऊ में कोरोना भयावह रूप लेता जा रहा है, मौतें बड़ी संख्या में हो रही हैं, जिस वजह से अंतिम संस्कार के लिए भी एक लंबी लाइन देखने को मिल रही है तमाम शमशान घाटों पर। और ये देखिए जो टीन शेड है उसके बाहर ये चिताएं बनाई गई थी जहां पर कोविड डेड बॉडीज को जलाया गया। तो जाहिर बात है कि अब स्थान की भी शमशान घाटों में मानो कमी पड़ रही है। पूरे यूपी में कोरोना से अफरा तफरी है। वाराणसी में भी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर प्रशासन ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। भक्तों के गर्भगृह के अंदर प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन झांकी दर्शन बाबा का किया जा रहा है। बहुत दिव्य दर्शन हुआ है बाबा का। प्रशासन कोरोना पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। सीएम योगी ने ट्वीट किया, मुझे विश्वास है टीका उत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़कर व दो गज दूरी मास्क है जरूरी के मंत्र का पालन कर हम लोग अवश्य कोरोना को परास्त करेंगे। कोरोना का मौजूदा वेव यूपी में काल बनकर टूट रहा है। जानकारों की माने तो अप्रैल महीने में हालात के और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। बचाव का एक ही उपाय नजर आता है, टीकाकरण और सावधानी। टीम न्यूज नेशन। कंप्लीट लॉकडाउन का खतरा बढ़ता जा रहा है, इसके साथ ही जगह जगह से आ रही खबर, पलायन की खबरें, तस्वीरें डरा रही हैं। डर ऐसा है, रोजगार की चिंता ऐसी है कि लोग जल्द से जल्द शहर को छोड़ देना चाहते हैं। वन बाय वन लाइन में आगे बढ़ते रहिए। कोरोना के कहर का ये खौफनाक साइड इफेक्ट है। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर लोगों का सैलाब, जो कमाया जो बचाया था उसे साथ लेकर वापस जाने की बेचैनी। सब निकल जाना चाहते हैं वापस अपनी घर की तरफ। इन लोगों के जहन में पिछले साल लगे कंप्लीट लॉकडाउन के जख्म ताजा हैं। फिर वैसे ही हालात पैदा हो रहे हैं, यही खौफ इन लोगों को वापस जाने के लिए मजबूर कर रही है। वन वीक के लिए क्लोज हुआ था, बट अभी ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि जब तक लॉकडाउन है तो ऑफिस बंद रहेगी, आप चले जाओ अपने होम टाउन। हम लोग लॉकडाउन में बहुत ही तरह के फंस चुके हैं और गांव जाने के लिए आया। कंपनी तो बंद हो ही गया है, तो काम करने के लिए कई दे जाएगा, तो सोचा मैं अपना घर जा सकता है। कंपनी 2 महीने को पगार रोक दिया गया था, नहीं दिया। इस महीने भी लॉकडाउन हुआ, बंद पड़ गया। कितना दिन हम लोग बैठ के इधर मुंबई में कहाँ से पैसा लाएगा, इसलिए हमने सोचा घर चला जाता है आराम से। मुंबई में कंप्लीट लॉकडाउन का खौफ है। कड़ी पाबंदी से पहले लागू अनिश्चितता लोगों को वापस जाने के लिए मजबूर कर रही है। सूरत से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि यहां मुंबई जैसे हालात नहीं, वापस जाने के लिए लोगों के पास अलग अलग वजह हैं। प्रधान का चुनाव हो रहा है इसीलिए मैं गांव जा रहा हूं। अच्छा। हाँ। जी चुनाव के वजह से गाँव के लोग चुनाव है इसलिए प्रधान बुलाया है। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों से एक बार फिर मजदूरों और गरीब तबकों के लिए संकट की घड़ी है। कोरोना के विकराल रूप को देखकर खौफ पसर रहा है। मुंबई जैसे शहरों के रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ती जा रही है। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ पूरा पटेल, न्यूज नेशन, सूरत।